उन्नाव में हुए भीषण सड़क हादसे में यूपी से बिहार तक हिल गया कि कैसे एक ही झटके में इतनी जाने चली गईं, कि कैसे एक ही झटके में इतने परिवारों की खुशियां उजड़ गईं, कि कैसे फैल गया मातम चीख पुकार, कि कैसे एक ही झटके में मच गया हाहाकार, कि लोग सोए हुए थे तो कभी ना उठने के लिए। उन्नाव में जो हादसा हुआ उसने सबको हिलाकर रख दिया। यहाँ लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर टैंकर और डबल डेकर बस की टक्कर हो गई, जिससे बस पलट गई और इस हादसे में 18 लोगों की जान चली गई, जबकि 30 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। कई की हालत नाजुक है। ऐसे में सूबे के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी दिया है बड़ा बयान, जाहिर कर दिया है अपना दर्द। इस हादसे पर सीएम योगी ने दुख जताया और अधिकारियों को मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने एक्स पर लिखा, जनपद उन्नाव में सड़क दुर्घटना में हुई जनहानि अत्यंत दुखद एवं हृदय विदारक है। मेरी संवेदनाएं शोकाकुल परिजनों के साथ हैं। जिला प्रशासन के अधिकारियों को मौके पर पहुंचकर राहत कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान एवं घायलों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्रदान करें। जानकारी के मुताबिक डबल डेकर बस यूपी 95T4720 बिहार के सीतामढ़ी से दिल्ली जा रही थी, जब बस सुबह करीब 4:30 बजे उन्नाव के बेहटा मुजावर थाना क्षेत्र के गढ़ा गांव के सामने पहुंची, तभी पीछे से तेज रफ्तार दूध से भरे टैंकर ने ओवरटेक किया और इसी दौरान बस से टक्कर हो गई। यह हादसा इतना भीषण था कि डबल डेकर बस के परखच्चे उड़ गए। तड़के सुबह हुए इस हादसे ने इलाके में हड़कंप मचा दिया। खबर पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। घायलों को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बांगरमऊ पहुंचाया गया, जहां डॉक्टर्स ने 18 लोगों को मृत घोषित कर दिया। डॉक्टरों ने गंभीर रूप से घायल यात्रियों को लखनऊ के ट्रॉमा सेंटर रेफर किया। वहीं मरने वालों में 14 पुरुष, 3 महिलाएं और 1 बच्चा शामिल है। एक्सप्रेसवे पे भीषण सड़क हादसा हो गया, जहां डबल डेकर बस बिहार से दिल्ली जा रही थी वो दूध के टैंकर में टकरा गई। हादसे में कई लोगों की कैजुअल्टी हुई है। मौके पर जिला अस्पताल में जिला अधिकारी गौरांश राठी भी यहां पर मौजूद है। जो घायल है उनका यहां पर हालचाल लेने के लिए यहां पर पहुंचे हुए। बात करते हैं डीएम साहब से, कितनी कैजुअल्टी हुई है और कितने लोग यहां पर घायल हुए? सर कितनी कैजुअल्टी है, कितने लोग घायल हुए? 18 लोग की मृत्यु अभी तक पुष्टि हो गई है। करीब 3 से 4 लोग अभी क्रिटिकल हैं, तो उनका इलाज के उससे पता लगेगा। और बाकी 19 लोग करीब घायल हैं, जिसमें मैंने बताया 4 लोग अभी करीब इसमें क्रिटिकल हैं। जी सर, कहाँ हादसा हुआ है और किससे गाड़ी लगी? एक प्राइवेट बस मोतिहारी बिहार से जो चली थी उसका आज सुबह करीब 5:15 बजे माइलस्टोन 248 किलोमीटर आगरा जो दिल्ली एक्सप्रेसवे है उस पर एक्सीडेंट हुआ। और जो ड्राइवर की साइड थी वहाँ पे जो बैठे हुए हमारे ना यात्री थे उनमें से 18 लोगों की डेथ हो गई। जो दूध का टैंकर था उसके भी चालक और उनकी डेथ हो गई है, जो साथ में खलासी था। और बाकी लोगों का जो उपचार है वो CHC बांगरमऊ में करवाया गया। प्रथम दृष्टिया क्या लग रहा है कि बस टैंकर में घुस गई या टैंकर ने नहीं? चूंकि पीछे से बस आके लगी है तो एक ही लेन पे ये तो एक्सीडेंट हुआ है, तो कोई क्रॉसओवर करके नहीं गई, तो बस ने ही पीछे से हाई स्पीड होने के कारण बस की टक्कर हुई, फिर बस पलटी और टैंकर भी पलटा। तो उस कारण से प्रथम दृष्टया लग रहा है कि एक्सीडेंट होकर डेथ हुई। किसी को रिफर किया गया लखनऊ या कानपुर? नहीं, अभी लखनऊ कानपुर रिफर नहीं किया गया। हम लोगों ने जो CHC बांगरमऊ अब तक इलाज किया उससे पाया कि हम लोग जिला अस्पताल पे कर सकते हैं उपचार, तो एम्बुलेंसेज आने वाली। बिल्कुल, देखिए साफ तौर पर जिला अधिकारी थे गौरांश राठी, जिन्होंने का कहना था कि जो घायल है उनको जिला अस्पताल रेफर किया गया है। 19 लोग घायल हैं, 18 लोगों की कैजुअल्टी हो गई। हालांकि हादसा बड़ा ही दुखद है, लेकिन जिलाधिकारी और SP मौके पर पहुंचे हैं और घायलों का यहां पर देखरेख कर रहे हैं। उन्नाव से सूरज सिंह, UP तक।